हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर जेई मेंस का फॉर्म फिल करने जा रहे हो और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट थे सीबीएसई का कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया होगा या इम्प्रूवमेंट या फेलियर कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, तो कैसे आपको जेई मेंस का फॉर्म फिल करना है, किस बात का खास ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स कैसे जेई मेंस का फॉर्म फिल करेंगे। जैसे इम्प्रूवमेंट दो तरह से बच्चे अप्लाई करते हैं, एक तो होते हैं जो सारे सब्जेक्ट्स से अप्लाई करते हैं, एक होते हैं जो कंपार्टमेंट आ जाता है ओवरऑल पास होते हैं और एक सब्जेक्ट्स में ही केवल इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं या सारे सब्जेक्ट्स से अप्लाई करते हैं। तो आप लोग जेई मेंस का जो फॉर्म फिल करोगे, अगर आप इंप्रूवमेंट कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो किसी भी रीजन है, कोई भी, जैसे 5 में पास हो 1 में फेल हो, तब भी आपको एज अ पास कैंडिडेट ही अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपका लास्ट ईयर का डिटेल्स पूछेगा, मतलब आप एज ए इम्प्रूवमेंट कर रहे हो उसके बारे में तो सीबीएसई पूछेगा ही नहीं, बट वो आपसे पूछेगा जब पास हुए थे उसका रोल नंबर क्या है, तो वो रोल नंबर देना है। और हमेशा से, क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करो, तो हमेशा से जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दिए थे जिसमें पास हुए थे वही रोल नंबर जो है हमेशा चलेगा, ठीक है। तो उस रोल नंबर को दोगे एंड देन आपका कितना मार्क्स टोटल एग्जाम कितना मार्क्स का होता है, जैसे 6 सब्जेक्ट है तो 600 लिख सकते हो, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो 500 लिखना है और वो उसमें ऐड करके टोटल देखोगे कि कितना मार्क्स आपका आया था, तो सब टोटल वहाँ पे डालोगे। अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल भी होते, जैसे मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो उस सब्जेक्ट का जितना मार्क्स आया था फेल मार्क्स जो था उसको भी उसमें ऐड करोगे और उसमें लिख दोगे, वहाँ से आप डिसक्वालीफाई नहीं होगे इस फॉर्म के लिए, ठीक है। जब आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग के टाइम पर उसे यूज़ करोगे, या इंप्रूवमेंट में 75 प्लस आ जाता है तो आप जो है IIT का जो एडवांस का फॉर्म होता है उस समय पर उसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी आप लोगों के कुछ इस तरह के डाउट्स रहते हैं कि हम लोग जैसे 2-3 सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट अप्लाई किए हैं तो किस तरीके से काउंसलिंग के टाइम पे हम मार्कशीट को दिखाते हैं। तो जब केस आता है कि ऑनलाइन अपलोड करना है तो 2 मार्कशीट तो अब आपके पास हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों मार्कशीट को एक पास रख के स्कैन करा के एक सिंगल PDF फॉर्मेट में ले लोगे, A4 साइज में, ठीक है, और उसको यूज़ करोगे। और जब फिजिकली कहीं काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो उस समय पे आपको जो है दोनों मार्कशीट को शो करना पड़ता है और लाइफ टाइम आपका दोनों मार्कशीट कैरी होता है, ठीक है। अगर आप 5 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट देते हो तो अकॉर्डिंग टू JEE वो जो है कोई एक जो मार्कशीट है, जैसे इंप्रूवमेंट आपने दिया 5 सब्जेक्ट्स का और ऑलरेडी पास थे 5 सब्जेक्ट में, तो ये जो दोनों में से कोई एक को चूज़ करोगे, जो भी मान लो इंप्रूवमेंट वाला मार्क्स आपके अच्छा है तो इंप्रूवमेंट वाला यूज़ किया, और मान लो इंप्रूवमेंट में फिर बेकार हो गया तो पीछे वाला जो मार्कशीट है उसको यूज़ करोगे। अब बात करते हैं कि फेलियर स्टूडेंट्स या कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई करोगे आप जेई मेंस के लिए। आप लोग को जो जेई मेंस का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उसमें जो है एज अ अपियरिंग कैंडिडेट के तरीके अप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब आप पहली बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर होने जा रहे हो, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। और उसमें जो है अपियरिंग डालोगे तो इसके अलावा कुछ उसमें डिटेल्स देने नहीं होते, जैसे ही आप जो है एग्जाम बोर्ड एग्जाम पास कर लोगे और आपके पास मार्कशीट आ जाएगा ओवरऑल सब्जेक्ट्स के, तो जो है आप आगे अगर 75 प्लस है तो JEE एडवांस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो या उसी मार्कशीट जो आएगा उसको यूज़ कर सकते अपना एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, पहली बार चैनल पाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच।